दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है हुआ होगा कि आपको कभी गुस्सा आया होगा और कभी तो बहुत भयंकर गुस्सा आया होगा, और अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी हार्ट रेट जो है वो बहुत तेज़ी से पेल्पिटेशन होने लगता है, आपकी जो सांस वो है बहुत तेज़ी से होने लग जाएगी, आपको एकदम पसीना भी हो सकता है, आप एकदम मतलब कहीं फोकस हो गए उसी बंदे को देख रहे होगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी। तो ये सब चीज़ों के होने के पीछे जो है क्या जो है हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही होती है, केमिकली क्या जो है हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो जैसे ही आपको गुस्सा आया तो आप सोच भी नहीं सकते उतनी तेज स्पीड से जो है आपकी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, बहुत सारे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन रिलीज होते हैं। तो आज वो एक सीरीज में आपको बताऊंगा और बीच बीच में कुछ जो है वो आपको स्पेसिफिक जो है वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आपको बताते हुए चलूंगा। तो जैसे ही आपने कुछ भी किसी वजह से गुस्सा आता है तो सबसे पहले जो ब्रेन में एक एमिगडाला करके एक रीजन होता है वो एक्टिवेट होता है और वो आगे जाके जो है हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, ब्रेन के अंदर ही होता है। अगेन आगे हाइपोथैलेमस से जाके जो है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है CRH, ये CRH जाके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, अगेन जो कि ब्रेन के अंदर ही होता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसको एक्टिवेट करता है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो है कनेक्शन होता है आपकी किडनी, और उस किडनी के ऊपर जो है होता है वहाँ पे आपने एड्रेनालिन सुना होगा अक्सर, तो वो बेसिकली जो है वहाँ पे ACTH रिलीज करता है। ये ACTH का काम होता है कि किडनी के पास में जाए, और किडनी के पास में जाने के बाद में मतलब वहाँ पे जो है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कॉर्टिसोल ये सब रिलीज करवाए। तो आप देख रहे हो कि मतलब आपने यहाँ से सुना और इतनी जल्दी आपके यहाँ से पूरे ब्रेन से होते हुए किडनी तक जो है बात पहुँच भी गई और वहाँ पे एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन सब कुछ मिल गया। इसके अलावा जो है क्योंकि कॉर्टिसोल वगैरह बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो आपका जो हार्ट रेट जो है अगर हमेशा वहाँ पे हाई रह रहा है, आपकी ब्रीदिंग रेट अगर ज़्यादा रह रही है, तो आपको स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के चांसेस, हाइपरटेंशन के चांसेस और आप जो है वो ज़्यादा करते जा रहे हैं। और जवान है बॉडी तो फिर भी झेल लेगी, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे तो अगर यही आपकी आदत रही तो बहुत आपके साथ में प्रॉब्लम होने वाली है। तो ना केवल यही बल्कि इसके अलावा जो है आपको मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका मतलब ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम है वो जो है आपका नीचे चला जाएगा, मतलब थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो नीचे जा सकता है। अगर इम्यून सिस्टम नीचे चला जाए तो ये तो मुझे मतलब कोरोना के काल में बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और कोरोना छोड़ो, इन एनी केस इम्यून सिस्टम नीचे आना कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाया जाता है इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जाके जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी आपकी आईसाइट वीक हो सकती है, आपको मतलब हमेशा एक तरह से माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक का प्रॉब्लम हमेशा एक तरह से बना रहे। और ऐसे लोगों को जैसे देखते हैं ना कि एक कहावत है कि जो आदमी चिड़चिड़ करता रहता है उसके जो है कभी शरीर नहीं बनता। अब इसके बाद में बात आती है ब्रेन के दूसरे पार्ट की जो कि फोरहेड के जस्ट पीछे होता है, जिसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, ये बेसिकली जो है जजमेंट बनाने का काम करता है कि मतलब ये लड़ना कितना सही रहेगा या फिर अच्छा रहेगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि एमिगडाला जो है वो एक तरह से इमोशंस ट्रिगर करने का काम कर रहा है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है भागने या जो लड़ाई करने के लिए, लेकिन जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, वो दिमाग लगा रहा है कि इस सिचुएशन में लड़ना सही है कि भागना सही है या शांत रहना सही है बेसिकली। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा आप गुस्सा करते हो उतना ज़्यादा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है आपके ब्रेन के रीजन का जो कि बेसिकली जजमेंट बनाता है, तो ये सब जो है वहाँ की जो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन क्या है इसको तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो वो जो वहाँ की न्यूरॉन जो है उसको वो डिस्ट्रॉय करने लगता है, धीरे धीरे मतलब खत्म होने लगती है। और जितनी वहाँ पे कम न्यूरॉन होगी आपकी सोचने समझने की शक्ति उतनी ही धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि मतलब आदमी जो है मतलब बावला ही हो जाता है एक तरह से, मतलब गुस्से के अंदर जैसे जैसे जब जब किसी का नेचर बन जाता है तो मतलब वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए जो है अपने आप को कंट्रोल करना, सोचने समझने की शक्ति पे कंट्रोल करना, खासतौर से गुस्सा आ जाता है तो, क्योंकि वो उसका धीरे धीरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसमें वहाँ पे न्यूरॉन खत्म होने लगते हैं और टाइम ऐसा आता है कि अब तो मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाएगा। मतलब इसी के साथ में जो है आपका हिप्पोकैम्पस वाला एक रीजन भी होता है, मतलब वो जानवर वाला नहीं, आपके ब्रेन के अंदर भी एक हिप्पोकैम्पस वाला रीजन होता है। उस हिप्पोकैम्पस रीजन के अंदर भी जो है आपको धीरे धीरे वहाँ पे न्यूरॉन जो है वहाँ पे भी खत्म होना स्टार्ट होती है, और अगर वहाँ पे न्यूरॉन खत्म होती है या वहाँ पे जो है जितना ज्यादा वहाँ पे कमी आना स्टार्ट होगी तो होता क्या है कि आपकी मेमोरी जो है वो वीक होती जाती है। और इसी वजह से शायद आपने देखा होगा कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो उस हाई मोमेंट के अंदर हमें याद ही नहीं होता कि बेसिकली उस मोमेंट में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था, हम मतलब वापस रिकॉल करना चाहे
तो हमें एग्जैक्टली कई बार याद ही नहीं आता, क्योंकि हमारा हिप्पोकैम्पस रीजन जो होता है, हम जितनी बार गुस्सा करते जाते हैं हिप्पोकैम्पस रीजन और ज़्यादा जो है वो छोटा होता जाता है और ज़्यादा डिफॉर्म होता जाता है, उसके चलते जो है आपके जो मेमोरी खत्म होती है और आपको उस मोमेंट में क्या हुआ था एग्जैक्टली आपको याद ही नहीं होता है। मतलब थर्ड पर्सन को याद हो सकता है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन जब आप उस मोमेंट में हो गए तो मतलब अगर आपकी आदत बन चुकी है तो आपको याद रहना ही बंद हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो न्यूरोनल लेवल पे प्रॉब्लम होता है ब्रेन के अंदर, वो भले प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लेवल पे हो रहा हो या हिप्पोकैम्पस के लेवल पे, ये सारा का सारा एक ही हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसके हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है। तो बहुत सारे जो है एक तरह से जहर घोलने का काम करता है अगर आपको गुस्सा आता है तो। हाँ, गुस्सा जो है कभी कभी आ रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी ही बन गई है गुस्सा आने की, तो आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल जो है मतलब आपने बहुत सारी बीमारियों को जाने अनजाने जो है आप इन्वाइट करते जा रहे हैं। तो खुद को कैसे शांत रखा जाए या फिर कैसे अवॉइड किया जाए, इसके लिए शायद मैं किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, पर आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।